डियर स्टूडेंट्स, आज हम दूसरे मेथड की बात करेंगे जीन ट्रांसफ़र की, जिसको हम पॉली इथिलीन ग्लाइकोल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक भी कहते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है ये बेसिकली यूज़ होती है फॉर प्लांट प्रोटोप्लास्ट जीन ट्रांसफ़र्स। और जो प्लांट प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यूजिंग DNA, वे ट्रीटिंग इट विद PEG, जिसमें की प्रेजेंस होती है डाईवेलेंट कैटाइंस की, जिसको हम कैल्शियम कहते हैं। PEG और डाईवेलेंट जो कैटाइंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, वो डीस्टेबलाइज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो कि प्लांट प्रोटोप्लास्ट में होते हैं, जिससे कि वो जो प्लांट प्रोटोप्लास्ट है वो परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द फॉरेन DNA। अब जो DNA है वो एंटर करेगा न्यूक्लियस में और वो इंटीग्रेट होगा होस्ट जीनोम के अंदर। तो दिस इज़ अबाउट PEG मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द प्रोटोप्लास्ट, कि ये प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई जो सेल है वो सराउंडेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो वो जनरेट कर सकती है अपनी सेल वॉल को, प्लांट्स में वो ग्रो कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। बट इट्स फ्रेजाइल, बट इट कैन बी कल्चर्ड एंड ग्रोन इन टू ए होल प्लांट। सेल जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं एनी टाइप ऑफ टिश्यू से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फॉर डेवलपिंग न्यू हाइब्रिड्स। तो ये सोमैटिक जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसको सबसे पहले कार्लसन ने निकोटीनिया ग्लोइया में स्टडी किया था, और 1960 में कॉकिंग ने एंजाइमेटिक आइसोलेशन या कल्चरिंग मेथड प्रोटोप्लास्ट का इंट्रोड्यूस किया था। तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेपरेशन होता है फ्रॉम प्लांट टिश्यूज़ का, इसे हम आइसोलेट करते हैं। वाइबल प्रोटोप्लास्ट चाहिए एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इन प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम सेल वॉल ग्रोइंग सेल्स ऑफ ए प्लांट टू मैथड्स हैव बिन डेवलप्ड, एंड दीज टू मैथड्स आर मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक। मतलब दो मैथड होते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के प्लांट्स में, एक मैकेनिकल मैथड होता है और एक होता है एंजाइमेटिक मैथड। अब जब हम मैकेनिकल मैथड की बात करें, तो अनडैमेज जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो रिलीज़ होते हैं बाय ऑस्मोटिक स्वेलिंग, जब वो प्लेस्ड होते हैं इन अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज जो सॉल्यूशन होती है, जैसे ही इसमें पानी अंदर एंटर करेगा, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, तो जब वाटर अंदर एंटर करेगा तो क्या होगी, इसकी जो सेल है, प्लांट सेल है, वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। स्वेल होने से सेल वॉल विल रप्चर आउट। तो प्रॉब्लम जो एनकाउंटर्ड होती है इसमें, कि कुछ सेल्स हो सकती हैं अनकट कंप्लीट करके ना करके, कईयों में आप ब्रोकन डेड प्रोटोप्लास्ट भी है उसमें प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि एक तरह की कटिंग हो रही है मैकेनिकल मेथड में, तो आपने लो सुक्रो सॉल्यूशन में रखा है, तो कहीं पे भी इम्प्रॉपर आपके प्रोटोप्लास्ट आप ऑब्टेन कर सकते हो। टिश्यू जो है हम उसको इमर्स करते हैं सुक्रोज में, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट श्रंक अवे हो जाए इनक्लोजिंग सेल वॉल से, जिसको हम प्लास्मोलाइसिस कहते हैं। अब ये जो प्लास्मोलाइज्ड जो टिश्यू है, हम उसको कट करते हैं एक शार्प नाइफ से विद इवन थिकनेस, जिससे कि खाली सेल वॉल्स ही कट हों। तो सेल वॉल्स कटने के लिए हम यूज़ करते हैं एक शार्प नाइफ को यहाँ पे प्लास्मोलाइज सेल्स में। तो ये तो हो गया आपका मैकेनिकल मेथड। दूसरा जो मेथड है आइसोलेशन के लिए, जिसे हम एंजाइमेटिक मेथड कहते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स को, जो कि डिसॉल्व करेंगे सेल वॉल को और रिलीज़ करेंगे प्रोटोप्लास्ट को। इसके बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर वेराइटी ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स लाइक रूट्स रूट्स ऑन। ऑस्मोटिक जो श्रिंकेज है वो सबसे कम होता है, सेल्स पूरी तरह से इंटैक्ट होती हैं, प्रोटोप्लास्ट आप रेडिली ऑब्टेन कर सकते हो। दो तरह के मेथड हैं, वन स्टेप मेथड और दूसरा होता है आपके टू स्टेप मेथड। वन स्टेप मेथड इज़ योर डायरेक्ट मेथड एंड टू स्टेप मेथड इज़ योर सीक्वेंशियल मेथड। अब हम बात करें प्योरीफिकेशन कैसे करेंगे प्रोटोप्लास्ट की। जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उन्हें प्योरीफाई करने के लिए हमें उनकी डेब्रीज को हटाना पड़ेगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हटाना पड़ेगा। वी हैव टू बर्स्ट द प्रोटोप्लास्ट, वी हैव टू यूज़ सम एंजाइम्स ऑल्सो। डेब्रीज क्या होंगी, इनका रिमूवल बाय फिल्टरिंग द प्रिपरेशन थ्रू ए नायलॉन मैश। तो नायलॉन मैश से
हम डेब्रीज का फिल्ट्रेशन करेंगे, एंजाइम्स जो हैं वो रिमूव होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, जिससे कि प्रोटोप्लास्ट सेटल हो जाएंगे बॉटम ऑफ द ट्यूब में, और ऊपर जो सुपरनेटेंट है उसको हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पिपेट। इंटेक्ट जो प्रोटोप्लास्ट हैं उनका जो सेपरेशन होगा फ्रॉम ब्रोकन प्रोटोप्लास्ट वाया सेंट्रीफ्यूगेशन, और उनको भी हम रिमूव करते हैं पिपेट से जैसे ही वो कलेक्टेड होते हैं टॉप ऑफ द ट्यूब में। अब बात करें इस जीन ट्रांसफ़र की, जिसे हम PEG मीडिएटेड प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोटोप्लास्ट आर, हाउ वी आर एबल टू आइसोलेट देम, हाउ वी आर एबल टू प्योरीफाई देम। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायरेक्ट DNA मेथड फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। पहला जो रिपोर्ट आई थी जो प्रिंस एटल ने दी थी नेचर मैगजीन में, कि एग्रोबैक्टीरियम TI प्लास्मिड है जो हैं उनको इंट्रोडक्शन किया गया था इनटू पिट्यूनिया प्रोटोप्लास्ट, और उससे आपने ओपाइन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स एंड सदर्न ब्लॉट ने उसका वेरिफिकेशन प्रोवाइड किया। उसके बाद में ट्रांसजेनिक प्लांट्स की जो रिपोर्ट्स आई थी वो जो मेथड था वो फेजोविस्की ने, एटेल ने 1984 में दिया था। उन्होंने रीजनरेट किया था ट्रांसफॉर्म प्रोटोप्लास्ट को इनटू प्लांट्स जो कि कैनामाइसिन रेसिस्टेंट थे। एक एंटीबायोटिक है, कैनामाइसिन उससे रेसिस्टेंट थे। ये जो मेथड है ये बहुत यूज़फुल है और उसको अप्लाई किया गया था फॉर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज सक्सेसफुली। प्रोटोप्लास्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है विद DNA इन द प्रेजेंस ऑफ PEG एंड कैल्शियम आयंस। अब ये जो मेथड होता है PEG मीडिएटेड मेथड, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम आइसोलेशन करते हैं प्रोटोप्लास्ट का लीफ मीजोफाइल टिश्यू से, रूट या सेल सस्पेंशन कल्चर से। सस्पेंशन करते हैं आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट का प्लास्मिड DNA के साथ में एक ट्यूब में। फिर हम एडिशन करते हैं 40% PEG 4000, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं मैनिटोल और कैल्शियम नाइट्रेट को। फिर हम इसको इंक्यूबेट करते हैं 5 मिनट तक। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं जीन ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग प्लांट रीजनरेशन। तो ओवरव्यू अगर हम बात करें, मेथडोलॉजी की अगर हम बात करें PEG मेथड की, तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, देन यू आर सस्पेंडिंग आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट विद योर प्लास्मिड DNA, यू आर एडिंग मैनिटोल एंड कैल्शियम नाइट्रेट, यू आर इंक्यूबेटिंग इट फॉर 5 मिनट्स, देन यू आर ऑब्जर्विंग जीन ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग प्लांट रीजनरेशन। इस पूरे मेथड को अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम से देखें तो आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे आपने कोई भी पॉलन जो है एलर्जन कॉजिंग है, तो यहाँ पे एक तरह से आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस पे यूज़ किया है ट्रांसफॉर्म एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। उसी तरह से आप बाइनरी जो वेक्टर है उसमें आपने कोई CDNA सीक्वेंस को इनकॉर्पोरेट करवाया। ये जो CDNA सीक्वेंस है ये कहाँ से आई, पॉलन से आई। पॉलन के कौन से मटेरियल से आई, एलर्जन से आई। फिर आपने बाइनरी वेक्टर जिसमें कि CDNA सीक्वेंस है उसको यहाँ पे ईकोलाई जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके साथ में मिक्स किया, तो अब ईकोलाई में आपका बाहरी CDNA सीक्वेंस आ गया, तो ईकोलाई कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। तो नाउ इट इज़ ट्रांसफॉर्म ईकोलाई। तो ये प्लास्मिड रिकवरी वेरिफिकेशन है। अब इस प्लास्मिड को आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस के साथ में मिक्स किया, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। फिर आप उसको इंक्यूबेट करते हो टोबैको लीफ में, फिर आप शूट को इंडक्शन कराते हो। जैसे शूट का इंडक्शन होगा तो आप क्या देखोगे, टोबैको शूट्स जनरेट होगी। फिर आप रूट का इंडक्शन कराते हो तो ट्रांसफॉर्म टोबैको प्लांट बन जाता है, जिसकी कि हम अप स्केलिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करते हैं। आपका जो लीफ है उसके जो मीजोफिल जो टिश्यूज़ होते हैं उससे आपने आइसोलेट किया है प्रोटोप्लास्ट को। फिर आप इनमें पार्टिकल गन मेथड से या आपके बायोलिस्टिक मेथड से, जिसमें गोल्ड या टंगस्टन को यूज़ करते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो विद द डिज़ायर्ड DNA, देन यू आर एबल टू जनरेट होल प्लांट, देन यू आर एबल टू एक्लिमेटाइज द होल प्लांट, यू आर गेटिंग ए फॉरन DNA इनटू अ प्रोटोप्लास्ट। दिस इज़ PEG मीडिएटेड मेथड। तो ये जो मेथड है इसके बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स हैं। ये बहुत ही सरल एफिशिएंट मेथड है जिससे हम साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग कर सकते हैं बहुत सारे सैंपल्स की।
जो ईल्ड जो होती है ट्रांसफॉर्म्ड सेल पॉपुलेशन की, हाई सर्वाइवल दिखाती है, डिवीजन रेट दिखाती है। ये जो मेथड है ये बहुत इनएक्सपेंसिव है और ये ओवरकम करता है हर्डल जो कि होस्ट रेंज लिमिटेशंस बताते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरह से ये हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस मेथड के ऊपर जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका एक बहुत ही रिफाइंड वर्जन है। नेगेटिव फीचर्स क्या हैं कि दे आर नॉट ईजी टू वर्क एंड द रीजनरेशन जो होगा फर्टाइल प्लांट का फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर सम स्पीशीज़। तो डीएनए जो यूज़ होता है वो ससेप्टेबल रहता है डिग्रेडेशन के लिए और रीअरेंजमेंट और इंटीग्रेशन हो जाता है रैंडम साइट्स में। तो आपका जो फॉरेन डीएनए है वो कहीं ना कहीं इसके रैंडम साइट्स में जुड़ जाता है, तो आपको जो रीअरेंजमेंट हो गया या रीजनरेशन होगा प्लांट का वो इतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पीईजी मीडिएटेड ट्रांसफर इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।